लोकसभा के पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने संभाली प्रचार की कमान। नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और असम में, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान में, तो राहुल गांधी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किया चुनाव प्रचार। आंध्र प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर टीडीपी को भाजपा द्वारा दिए गए 24 घंटे की समय सीमा आज शाम हो रही है समाप्त। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति भावी रणनीति पर कर रही है विचार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वालों को दिए पद्म पुरस्कार। आर ए मालेशकर को दिया पद्म विभूषण। कमला हसन, परवीन सुतारा और पी गोपी चंद को पद्म भूषण से किया गया सम्मानित। उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत इन पदों के लिए सर्च कमेटी के नियमों को दी गई है चुनौती। मुंबई उच्च न्यायालय ने आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी द्वारा आरबीआई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वीरेंद्र माहेश्वर के खिलाफ भूमि पर कथित रूप से कब्जा करने संबंधी शिकायत की याचिका की अनुमति के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया। शिकायत दायर करने के बाद ही शेट्टी की हत्या कर दी गई थी। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित वानिकी फसलों को फिर से लगाने के लिए 352 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इस्लामाबाद की एक अदालत ने देशद्रोह के मामले में आरोप तय किए हैं। अपनी बीमार माँ को देखने के लिए देश से बाहर जाने की उनकी याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सेबी अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सेबी अध्यादेश को फिर से जारी करने से शेयर बाजार नियामक की शक्तियां बढ़ेंगी और इसके परिचालन में संतुलन आएगा। साल 2013 के दौरान देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 3% की कमी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2013 में कुल एफडीआई निवेश 22 अरब डॉलर रहा। ज्यादातर निवेश टेलीकॉम, ऑटो, फार्मा और कंस्ट्रक्शन में आया। संयुक्त राष्ट्र की एक वैज्ञानिक समिति के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का प्रदूषण कम नहीं किया गया तो जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव बेकाबू हो सकता है। देश आज चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा, उगादि, चैत्र शुक्लादि और चेती पंड पर्व मना रहा है। आज से ही हिंदुओं के नववर्ष विक्रम संवत का भी आरंभ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं।